आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 24 नवंबर को प्रिंस चौक स्थित दून दरबार के सामने दो पक्षों में आपस में बहस हो गई थी। एक युवक ने दूसरे युवक पर रॉड से हमला किया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां आज चमोली निवासी युवक विपिन रावत की इनरेज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी समेत विधायक करण मेहरा धरने पर बैठ गए थे और लगातार मांग कर रहे थे कि जब तक लखीबाग चौकी इंचार्ज को सस्पेंड नहीं करेंगे और अपराधी को अरेस्ट नहीं करेंगे, तब तक वह धरना स्थल से नहीं उठेंगे। आपको बता दें कि यह धरना कम से कम 4 घंटा चलता रहा। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पीड़ित के परिवारों से मिलने पहुंचे और आश्वासन दिया कि जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, अपराधी जेल में होंगे। वहीं मौके पर पटेल नगर पुलिस के साथ साथ एसपी सिटी सरिता डोभाल भी रही और मौके पर बिगड़ते माहौल को शांत करने का प्रयास करती रही, परंतु परिजन लगातार लखीबाग चौकी इंचार्ज परवीन सैनी को सस्पेंड करने की मांग करते रहे। वहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून के लखीबाग चौकी इंचार्ज परवीन सैनी को सस्पेंड कर दिया गया और आरोपी विनीत अरोड़ा 323, 504, 506, 307 IPS के तहत अरेस्ट कर लिया गया। बाकी मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट। ऐसा है कि 25 तारीख को एक घटना घटी थी, जिसमें कि दो पक्षों में लड़ झगड़ा होता है, जिसमें एक विपिन रावत नाम के व्यक्ति को चोट, मतलब झगड़े झगड़े में और उसके सर में चोट लगती है। उस प्रकरण में उसी तारीख को, उसी सायंकाल को मामला पंजीकृत किया गया था और बाद में चोट की नेचर को देखते हुए 307 की वृद्धि उसी दिन कर ली गई थी। अब आज सुबह विपिन की डेथ हो गई है। 25 तारीख की घटना के बाद से ही जो अभियुक्तगण थे उनकी धरपकड़ की कार्रवाई पुलिस ने करी थी, वो मिले नहीं थे और इस बीच लोअर कोर्ट में जाकर के उन्होंने एक इंटरिम रिलीफ अपने लिए जो है वो ले आए थे। तो आज हमने जो उसमें जो विनीत अरोड़ा है उसकी अरेस्टिंग कर ली है और उसको मामपुर उसमें अभियोग में 302 की वृद्धि करते हुए उसमें अग्रिम विधि कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। उसमें मैंने तत्काल प्रभाव से जो चौकी इंचार्ज था उसको सस्पेंड कर दिया है। उस जो भी आरोप मृतक के परिवार परिजन लगा रहे हैं उसका भी मैं संज्ञान में ले रहा हूं। अगर बात सही होगी तो बहुत गंभीर, बहुत कड़ी दंड, मतलब विवाही कार्रवाई जो है चौकी इंचार्ज के खिलाफ की जाएगी और अब वस्तु स्थिति यह है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, उसको हम जेल भेजें। देखो उसमें उसके और उसके तत्काल प्रभाव से उसकी धर्मपत्नी साथ में थी और जो विपिन रावत के साथ एक दूसरे महिला थी उसके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके पत्नी को भी जो है 302 में नेम किया गया है, उसकी अरेस्टिंग बहुत जल्दी कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।